CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मदारी आलेख मोहिनी राव का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई इंतजार कर रहे हो ना तुम मदारी का? मदारी आएगा एक नई कहानी लेकर और एक नया गीत लेकर। लेकिन दोस्तों आज जरा जोर से ताली बजाना। तो बजाओ जोर से ताली और जोर से। ये बात और लो ये आ गया मदारी। बच्चों के खेल, सच्चों के खेल, खेल 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 सच्चे बच्चों के खेल। लालू के भालू के, सिकंदर के बंदर के, शेर के बकरी के खेल देखो। अरे बिटिया, बिटिया कहाँ हो? आई नहीं अभी तक। अरे ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे बिटिया आ रही हूँ मदारी भैया, रास्ते में रामू काका मिल गए थे। रामू काका? रामू काका कौन? वही अपने गांव के रामू काका, उनका गधा खो गया था, वे ढूंढ रहे थे। मैं भी उनके साथ मदद कराने लगी। मिल गया? हाँ मदारी भैया मिल गया। वो देख रहा रामू काका का गधा। बेचारा गधा, मैं आज तुमको जो कहानी सुनाऊंगा उससे तुम्हें पता चलेगा कि गधा सचमुच गधा होता है, यानी सचमुच बहुत मूर्ख होता है। सुनाइए। तो सुनो, एक जंगल में एक शेर था जो बहुत बूढ़ा हो गया था, शिकार के लिए जा नहीं सकता था। जो शिकार आसानी से मिल जाता था उसी से पेट भरता था। एक दिन वो भूखा शेर गुस्से में इधर उधर घूम रहा था कि एक सियार उधर से आ निकला। सियार ने कहा, मामा राम राम। शेर ने कहा, मामा मामा कुछ नहीं, मैं तुमको खाकर नाश्ता करूंगा। सियार ने कहा, वाह मामा, मैं कब कहता हूँ मत खाओ, पर पहले, अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अरे आप तो बूढ़े हो गए हैं, अब भाग दौड़ आपसे होती नहीं। हुक्म दे तो आपके लिए रोज एक शिकार ले आया करूं। शेर तो खूब खुश हुआ होगा। हाँ वो खूब खुश हुआ, बोला, तुम लाओगे कैसे? सियार ने कहा, वाह वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। शेर ने खुश होकर कहा, अच्छा तो जाओ, आज से तुझको अपना मंत्री बनाया, लेकिन जिस दिन शिकार नहीं लाएगा मैं तुझको फाड़ खाऊंगा, याद रखना। बस यार थक गया होगा, फिर लौट कर नहीं आया होगा। नहीं ऐसा नहीं हुआ। सियार जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ा ना तो क्या देखता है कि एक मोटा ताजा गधा घास चर रहा है।
सियार ने गधे से कहा, राम राम दादा, राम राम। गधे ने कहा, तुम कौन हो भाई? सियार ने कहा, ओहो, अरे मैं तो भूल ही गया, क्षमा कीजिए, मुझको तो कहना चाहिए ना, मंत्री की जय हो, मंत्री की जय हो। गधे ने कहा, ये कैसा मजाक है भाई, जो कहना हो सीधी तरह से कहो। हां, सियार ने कहा, सारी दुनिया में ढिंढोरा पिट गया और आपको खबर ही नहीं। वाह वाह, आप भी खूब हैं, वनराज सिंह ने आपको अपना मंत्री चुना है, उन्होंने आपकी बुद्धि की इतनी तारीफ सुनी कि उन्होंने आपको मंत्री का पद दिया है। आप बूढ़े हो गए हैं ना, उनसे राजकाज नहीं संभलता, मुझको भेजा है आपको ढूंढ लाने के लिए। कहां थे आप, हद हो गई, कितनी देर से आपकी तलाश में भटक रहा हूं। बड़ा खराब था सियार, बेचारे गधे को फंसा दिया। गधे ने क्या कहा? गधा बोला, ना बाबा, ना ना, मैं नहीं जाता, मैं तो यूं ही ठीक हूं। आप बन जाइए मंत्री। गधा तो गधा ही ठहरा। ठीक, वो चालाक सियार की मीठी बातों में आ गया और उसके साथ हो लिया। इधर शेर का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। गधे को सियार के साथ आते देखा तो झपटा उसकी ओर। गधा जरा दूर ही था, शेर को अपनी ओर आते देख वो तो डर गया और भाग खड़ा हुआ। भाग गया, शेर ने सियार को खा लिया। अरे शेर सियार पर बहुत बिगड़ा और बोला, अब मैं तुमको खाऊंगा। सियार ने कहा, खा लीजिए महाराज, लेकिन फिर मैं आपके लिए शिकार कैसे लाया करूंगा? मैंने तो सोचा था कि आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करूं, आपको जरा धीरज से काम लेना चाहिए था। आप तो एकदम उसकी ओर झपटे। खैर, मैं दूसरा शिकार लाता हूं। हाय, सियार वहीं गया जहां गधा पहली बार मिला था। गधे ने कहा, वाह वाह, तुमने तो मुझको खूब चकमा दिया, मैंने फुर्ती से काम ना लिया होता तो शेर के पेट में पहुंच गया होता। सियार ने कहा, अरे दादा, तुम तो बड़े ही डरपोक निकले। अरे शेर तुमको देखकर इतना खुश हुआ कि दौड़ा दौड़ा तुमसे गले मिलने आ रहा था और तुम उनके भाग खड़े हुए। चलो, अब वो कुछ घड़ी का मेहमान है, वो मर जाएगा तो फिर कभी महामंत्री नहीं बन सकोगे। हां समझे? गधा फिर उसके साथ चल दिया। हां, मंत्री बनने के लालच में गधा फिर हो लिया उसके साथ। सियार ने उसको समझा दिया कि शेर से डरना नहीं। उधर शेर को भी समझा दिया था कि वो धीरज से काम ले। गधा पहुंचा, शेर अपनी जगह से नहीं हिला, वहीं से बोला,
आओ आओ मंत्री जी, मैं तो बड़ी देर से आपका रास्ता देख रहा था। गधा भी हिम्मत करके आगे बढ़ा और ज्यों ही वो शेर के पास पहुंचा, शेर ने एक झपट्टे से उसको पकड़कर उसका पेट फाड़ दिया। बेचारा गधा, सचमुच बहुत चालाक था शियार। अच्छा भाई, अब कोई गीत सुनते हैं। गधे के लिए कब तक अफसोस करेंगे, है ना? हाँ। काली सी बिल्ली, मोटी सी बिल्ली, जाने को वे बैठी दिल्ली। दिल्ली जाकर चढ़ी मीनार, ऊपर से झांका बाजार, ऊपर से वो नीचे तो लो भाई, आज मदारी फिर चला गया। और अब जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।